अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद टू अनदर एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मेरा नाम राबिया गरीब है और बिट्स एंड बाइट्स की पूरी टीम के साथ और समा टेलीविजन पर हम आपको एक टेक्नोलॉजी का जबरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। असल में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इतनी आम शायद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारी कंपनीज टेक्नोलॉजी की भी और टेलीकॉम की भी बढ़ रही है, इसी तरह जितने यूजर्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी को, उनकी तादाद भी बढ़ रही है। और बिट्स एंड बाइट्स के हर एपिसोड में हम इन लोगों को भी देखेंगे, इन ट्रेंड्स को भी देखेंगे और ऑफकोर्स इन कंपनीज को भी फीचर करते रहेंगे। हर एपिसोड में हम चंद वेबसाइट्स को रिव्यू करेंगे, कुछ गैजेट्स के हवाले से बातचीत करेंगे और चंद ट्रेंड्स और एक मेन स्टोरी पर भी बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले कि हम एपिसोड को आगे लेके चलें, आइए चल के देखते हैं कौन सी कंपनीज इतना चहलका मचा रही है हमारे न्यूज रूम में। नसीब नेटवर्क्स, जो rosy.pk और naseeb.com पोर्टल्स को चलाता है, को वेंचर कैपिटल फंडिंग अवार्ड की गई है। ये वेंचर कैपिटल, जिसे हम सीड बी फाइनेंसिंग कहते हैं, सिलिकॉन वैली की दो कंपनीज ने दी है, ई प्लैनेट और DFJ। मोनिस रहमान, नसीब नेटवर्क्स के CEO का कहना ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि एक पाकिस्तानी ऑनलाइन वेंचर को इस किस्म की ग्रोथ और फंडिंग मिल रही है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि WLL यानी कि वायरलेस लोकल लूप के यूजर्स की तादाद बढ़ रही है, जिसकी मदद से पाकिस्तान में टेलीडेंसिटी करीब 50% हो गई है। ई प्लैनेट वेंचर्स दुनिया की लीडिंग वेंचर कैपिटल कंपनी है, जिनके चेयरमैन और CEO का नाम है असद जमाल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। फोर्ब्स माइडस लिस्ट, जो हर साल दुनिया के 100 टॉप ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट्स को फीचर करता है, असद जमाल को टॉप 10 ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट्स का एजाज दिया है। ये पाकिस्तानी IT और टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बहुत फख्र की बात है। ई प्लैनेट वेंचर्स ने हॉटमेल, स्काइप, फोकस मीडिया, नसीब नेटवर्क्स और दूसरी बहुत कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड की है। पाकिस्तानी IT कंपनीज फिलहाल दुनिया की 5 मुल्कों में काम अंजाम दे रही हैं। इन कंट्रीज में US, फार ईस्ट, UK, यूरोप और मिडल ईस्ट शामिल हैं। पाशा यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का कहना ये है, अब तक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर कंपनीज फाइनेंस, टेलीकॉम, मीडिया, गवर्नमेंट और हेल्थ केयर के सेक्टर्स के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है और इन्हीं सेक्टर्स में से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, पाकिस्तानी कंपनीज बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। नसीब नेटवर्क्स, हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग सच ग्रेट वर्क, नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो मेकिंग अस ऑल्सो प्राउड। आज चूंकि हमारा एपिसोड एक काफी सीरियस मौजू पे रिकॉर्ड करता है, मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाए विच विल हेल्प यू रिलीव योर स्ट्रेस। आफ्टर ऑल, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। गेम PC बनाना कोई मजाक की बात नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। और गेमर को ये चाहिए कि उसका PC बहुत फास्ट चले, एक लंबे वक्त के लिए चले, ताकि वो हीटअप ना हो तो उसमें कूलिंग सिस्टम हो और जनरली बहुत पावरफुल और फास्ट हो। ये जो मेरे पास रखा हुआ है एक नाइट्रो इजी गेमर है, इट्स अ गेमिंग मशीन, इट इज नॉट फॉर ग्राफिक डिजाइन, इट इज नॉट फॉर एवरीथिंग एल्स, लेकिन ये बनाया गया है गेमिंग की रिक्वायरमेंट्स देखते हुए। जो नाइट्रो इजी गेमर है उसका मॉडल नंबर है GTI 21। इसकी प्राइस है तकरीबन 33,000, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से लें। कुछ लोग आपको 32,800 का देंगे, कुछ 100 रुपये या 200 रुपये की आपकी बचत होगी। इसका जो मेकअप है जो इस मॉडल का है वो है इंटेल डुअल कोर प्रोसेसर 1.6 GHz। इस प्राइस में आपको इंटेल डुअल कोर ही मिलेगा, C2D या Core 2 Duo शायद इस प्राइस में मिलना मुश्किल होगा, लेकिन इसमें केसेस एडिशनल और फैंस और थर्मल कंपाउंड भी है ताकि आपका मशीन हीटअप बिल्कुल ना हो। इसमें 2 GB DDR परफॉर्मेंस मेमोरी है और 1 GB के 2 अलग अलग हैं, ताकि एक रैम अगर मिसयूज हो जाती है या खराब हो जाती है, एटलीस्ट यू आर सर्वाइविंग ऑन 1 RAM तो इसमें है। 160 GB की SATA 2 हार्ड ड्राइव है इसमें, तो परफॉर्मेंस स्पीड ऑटोमेटिकली इसकी प्रोसेसिंग काफी हाई हो जाती है और इसकी केबल्स भी जो है वो बाई स्टैंडर्ड है, पुरानी केबल्स नहीं है। ऑफकोर्स एक गेमिंग PC में बहुत जरूरी है कि वो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी हो और PCI एक्सप्रेस के साथ साथ ही NVIDIA GeForce का ऑन बोर्ड इसका मशीन है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ऑडियो है ये 7.1 यानी कि आपको सराउंड साउंड देने की भी सलाहियत रखता है, विच इज एक्सलेंट, क्योंकि अगर आपके स्पीकर्स इस किस्म के सेटअप हो ताकि आप
बैक फ्रंट राइट लेफ्ट सुन सके तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एनिमीज या कंपेटिटर्स कहाँ से किस तरफ से आ रहे हैं। और इस मशीन में विंडोज विस्टा बंडल्ड है और नॉर्टन एंटीवायरस भी प्री इंस्टॉल्ड आता है। द प्राइस ऑफ दिस मशीन इज 32,800। फैन एक तो हीट सिंक का ये है और दूसरा कूलर ये है। इसमें मजीद यूएसबी पोर्ट्स यहाँ है और यहाँ दो एक्स्ट्रा भी हैं तो आपके एडिशनल गैजेट्स जॉयस्टिक्स यहाँ भी लग सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर योर सराउंड साउंड सिस्टम राइट हियर। अगर आप दो मॉनिटर्स भी लगाना चाहें तो वो चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ। ऐसा विंड बैक स्पेस तो मुझे भी चाहिए। आज की हमारी फीचर स्टोरी एक वेरी सीरियस मौजू पर रिवॉल्व करती है। मैं बार बार सीरियस मौजू इसलिए कहती हूँ क्योंकि जॉब तलाश करना कोई मजाक का काम नहीं है। आपको ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सी कंपनी में कौन सी जॉब अवेलेबल है और आपकी सीवी या रेज्यूमे स्किल्स या टैलेंट उस जॉब पर पूरी उतरती है या नहीं। एक बड़ा सीरियस मैच मेकिंग प्रोसेस होता है और बहुत लंबा और पेनफुल भी। आप या तो अखबार उठा के संडे की कोई भी क्लासिफाइड सेक्शन में अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं या तो फिर एक वेब 2.0 के जरिए इंटरनेट पे आप जॉब तलाश कर सकते हैं। नौकरी जंक्शन एक जॉब पोर्टल है, एक नया कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए जो हायरिंग का एक नया कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में आपको जिस तरह से हायरिंग होती है वो एक पुराना तरीके का चल रहा है। या तो रेफरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली लोग अखबारों में इश्तेहार देते हैं, उसको इश्तेहार को देख के लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो उनकी जो सीवीज हैं शॉर्टलिस्ट होती हैं, फिर इंटरव्यू कॉल होता है। ये वही चीज़ है बजाय इसके कि आप किसी अखबार में इश्तेहार दें, आप वो एग्जैक्टली वही इश्तेहार आप ऑनलाइन जाके इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास वही कंप्यूटर हो आप जाइए और अपना इश्तेहार बना दीजिए वहाँ पर। इसी तरह अगर आपको जॉब की तलाश है तो आप कभी भी अपना जो भी आपका जिसको इंग्लिश में रिज्यूमे कहते हैं कि आपने क्या आपकी तालीम है, क्या आपका तजुर्बा है, क्या आपकी एज है, सारी डिटेल्स आप जाके अपलोड कर दीजिए। इसका फायदा ये है कि एक तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। जो सबसे बड़ा फायदा मैं ये समझता हूँ कि एक जॉब्स जिस आदमी को मुलाजमत की तलाश है वो अगर आमतौर पर अपना इश्तेहार जो होते हैं ये सिर्फ इतवार को जाना होते या किसी भी समझे हफ्ते के दिन में होता है, लेकिन अगर आपकी नज़र से वो इश्तेहार नहीं गुजरा तो आप उसको आप मसरूफ है, आपने अखबार नहीं देखा, अखबार आया नहीं, तो आप मिस कर जाते हैं। जबकि ये जो जॉब पोर्टल है इसमें आप जब भी आपके पास ऑफ आ रहे हैं आप लॉग इन हो और आप बाकायदा इसमें सर्च कर सकते हैं कि भाई मेरी अगर फील अकाउंटिंग है तो मैं अकाउंटिंग की जॉब देख लूँ, मैं अगर कराची से ताल्लुक है तो मैं अकाउंटिंग के कराची की जॉब देख लूँ, मैं अगर जिस लेवल का मैनेजर हूँ सीनियर हूँ जूनियर हूँ मैं उस लेवल की जॉब देख लूँ। जबकि अखबार के में ये सब चीजें आपने अगर आपने देखा होगा कि ये सब चीजें एक साथ होती हैं, आपको इनफैक्ट अगर आपका इश्तेहार जो आपके मतलब का इश्तेहार है जिसके लिए आप क्वालिफाइड हो ये भी हो सकता है कि वो आप अखबार देखें और आप मिस कर लें, क्योंकि चूंकि ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बड़े आराम से उनको सर्च कर सकते हैं। आप चाहते जी मुझे कराची के जॉब चाहिए उसकी अकाउंटिंग में आप जाके देख लीजिए और इनशाला फ्यूचर में हमारे जॉब पोर्टल में होते ये भी चाहते हैं जितना से कर रहे हैं बल्कि हम जैसे ट्रैफिक का जो मशर है कि आप चाहेंगे जी मैं अपने घर के बराबर के जॉब देखी, इस तरह ये सारी बहुत सारी चीजें जो है पॉसिबल ये सिर्फ जॉब पोर्टल में हो सकती है पुराने तरीके में। See, if you take that into consideration, जो दो main tools use होते हैं recruitment के लिए, जो main aspect that comes to light is the cost and the time constraint. With my experience, मुझे ये लगता है कि when you go for a printed text or printed advertisement or classified, that's more costly as compared to web portals. And besides, if you go for जो printed classifieds होते हैं, probability of job seekers reviewing those advertisements is highest during when you actually publish them on Sundays. यानी अगर आप एक normal day में उसको publish करोगे तो you know the probability of job seeker actually getting back to that advertisement is very low. However, I feel job portals in that case is instant. I can post a job today and I won't be highly mistaken to have had been expecting these emails probably tomorrow by the midday or the end.
However, जबकि अगर आई गो फॉर प्रिंट और क्लासिफाइड आई हैव टू गो टू नेक्स्ट साइट ठीक है. उसके अलावा देयर आर वर्सेटाइल टूल्स दैट दीज वेब पोर्टल्स आर एक्चुअली इक्विप्ड विद इंक्लूडिंग जॉब रिज्यूमेस. आई मीन यू कैन एक्चुअली सर्च थ्रू रिज्यूमेस देन यू कैन हैव जॉब का ऑप्शन देन यू कैन एक्चुअली मेक योर जॉब प्रॉमिनेंट. They are placed at such a place that job seekers visiting the website get a chance to actually notice those jobs. And at times, I mean, not always, but once in a blue moon, it might happen that you do not receive sufficient number of applications. In that case, you can go for the CV search ka tool, where you can, I mean, access thousands of CV with just a click. And besides that, अगर आप अखबार में उसको पब्लिश करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत सारे ऐसे रिज्यूमेस मिलेंगे कि कुड नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट. तो आप यू एंड अप हैविंग जॉब ठीक है. वेयर एज इफ यू यूज अ वेब पोर्टल आप अपने फी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं एज इन प्रॉबली क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस. सो जब भी कोई अप्लाई करने की कोशिश करेगा वो वहीं से स्क्रीन होना शुरू हो जाएगा. Before you start using it, it depends as to what tools they're offering. Because I just mentioned कि अगर जैसे hot jobs की option हो गई, CV search करने की option हो गई. Now besides, अगर कोई job portal ये सारे tools दे रहा है, but it's not you know well known amongst job seekers, तो there is no point spending money in it. It has to be something which job seekers are well acquainted with. वो उसको जानते हो and other employers are using it as well. Good luck to all of you who are going to search for a job online. हम चलते हैं ब्रेक की तरफ. Welcome back. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बढ़ रही है लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था इसके यूजर्स भी इसको जितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे उतनी बेहतर रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की भी होगी इंटरनेट में. आखिर इंटरनेट सिर्फ हमारे मुल्क में हमारे शहर तक महदूद नहीं है. पूरी दुनिया वाले हमें वहां सर्च कर सकते हैं और हमारे बारे में मजीद मालूम हासिल कर सकते हैं. बहुत सीनियर लेवल से लेके ऑफिसर लेवल तक के सारे हमारे पास हर लेवल के लोग हैं और हर स्किल सेट के लोग. इसमें अकाउंटेंट्स भी हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें लॉयर्स भी हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, इसमें टीवी आर्टिस्ट भी हैं, इसमें टीम में ड्रामे में काम करने वाले जिंगल वाले वी हैव ओवर 120 से ऊपर हमारे स्किल्स हैं. जो तीन चार हैं बताएं दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस. आई गेस देर अराउंड 10 to 15 वेब पोर्टल्स एट द मोमेंट. यूज नहीं है ये मैं नहीं कहूंगी प्रॉब्ली बिकॉज सी एज अ प्रोडक्ट और एज अ सर्विस दे हैवंट मैच्योर्ड येट. दे आर इन द ग्रोइंग वी कांट से दे आर इन इन्फेंसी स्टेज. हाउएवर दे आर ग्रोइंग ठीक है. सो वी कांट एक्सपेक्ट कि एकदम से कोई बूम आएगा एंड एवरीवन विल स्टार्ट यूजिंग इट. So, I mean, if you look 2 years back, it wasn't how it is today. And probably 2 years down the line, there might be more in usage. This trend, जो है वो बहुत स्लो है. स्लो इन द सेंस कि अगर आप इसको कंपेयर करें कि दुनिया में जहां भी ये जॉब पोर्टल इंट्रोड्यूस हुए उन्होंने 2-3 साल में कितनी ग्रोथ हुई कितनी तरक्की हुई पाकिस्तान में इसी से बात करें. इसकी एक वजह तो ये है कि लोगों को एक्सेस कम है इंटरनेट से कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी कम. फिर ये भी है कि मेरे ख्याल से कुछ लोग जनरली नए कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में जरा सा हिचके चाहते हैं. तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि पिछले 1 साल में हमें काफी इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं और हम आगे मार्केट को समझते हुए कि किस तरह से एडवांटेजेस समझाए आप सारी चीजें कर सकते. जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं ये जो वेबसाइट्स हैं ये अगर इनको सही तरह से चलाया जाए सेप्टेम्बर के अंदर उसको लॉन्च किया अपने पोर्टल को तो विद इन 1 मंथ हमें अराउंड 4 to 5 GB ऑफ डेटा डाउनलोड का मैनेज करना पड़ा जिसकी वजह से मुझे पैरेलल सर्वर रखना पड़ा जिसमें मुझे सारी वीडियो वगैरह मैंने पोस्ट किए. तो अराउंड काफी ज्यादा विजिट्स हमारे पास आ रहे थे. प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ एक सर्वर हमारे पास 4 सर्वर हमने वीडियो रखी नहीं उसके ऊपर क्योंकि हम लोग बेसिक आइडिया टेस्ट करना चाहते हैं कि वाकई चीज मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी. और जिस तरह मुझे फोन कॉल्स SMS और हर जगह लोग मिलते हैं पूछते हैं अली मुलाकात के बारे में और क्या हो रहा है तो इसका मैं अंदाजा लगा कि ये एक बड़ा बेहतरीन आइडिया हो सकता है. तो मुलाकात एक वीडियो बेस्ड जॉब पोर्टल है जिसका आइडिया मुझे अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास काम करते हुए आया कि जब मैं वहां पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था
तो वहाँ पे मुझे लोग पूछते थे कि तुम्हारा ऑफिस किस तरह का है, वर्किंग एनवायरमेंट किस तरह का है, तुम्हारे एचआर मैनेजर्स कैसे हैं, कभी तुम्हारे सीईओ से बात हुई है नहीं। तो मैंने कहा था कि जो मुझे बस में होता था मैं बताता यार, ये मेरा ऑफिस ऐसा है, मैं यहाँ बैठता हूँ, ऐसी चेयर है, मेरे ऐसा पीसी है, मैं 24 पे बैठता हूँ, सही है। तो दूसरा है कि वाकई सही क्या ऐसा होता है सॉफ्टवेयर में, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है? तो हमने कहा बिल्कुल होता है, मगर लोगों को यकीन नहीं आया। तो वहाँ से हमने शुरू किया कि एक ऐसा जॉब पोर्टल बनाना चाहिए कि हमें ये तो पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर के रिक्वायरमेंट, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, मगर लोगों की ऐसा प्रेफरेंस ये होती है कि ये मेरा वर्किंग एनवायरमेंट कैसा होगा। लाइक अगर आप किसी भी जॉब पोर्टल के थ्रू किसी भी कंपनी को अप्लाई करते हैं, मगर आपकी कोशिश ये होती है कि कोई जानने वाला मुझे ऐसा मिल जाए जो कि मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो मुलाजमत में हमने ये कोशिश की कि एक कंपनी का असल जो सूरत हाल है कि आप अगर काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो आपको एनवायरनमेंट किस तरह का मिलेगा, एचआर मैनेजर्स कैसे हैं, सीईओस कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, आपको कितनी फैसिलिटीज, कंपनी पॉलिसीज वगैरह किस तरह आपको टेक ओवर करनी पड़ेगी। हमारा मकसद जो हमारा एक हमने स्लोगन बनाया है वो है हायरिंग मेड 5 times फास्टर एंड 5 times चीपर। और अगर मैं हर एक को ओपनली कहता हूँ कि मेरे पास आके बैठे, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मेरे पास पूरा कंपेरिजन है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि तभी रुपये 5 गुना तेज है और 5 गुना सस्ती है। तो ये मकसद सबसे पहले पूरा होना चाहिए, ये यही सबसे। उसके बाद ऑफकोर्स ये है कि आप अगर जॉब पोर्टल है तो जितने ज्यादा लोग अपना उसमें डिटेल्स डालेंगे उतनी ज्यादा वो ही उसके कामयाबी। ये दुनिया में भी यही पैरामीटर होता है कि हर वेबसाइट के यूजर्स ही हैं। जो 3-4 हमने बताए दैट दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस, आई गेस देर अराउंड 10-15 वेब पोर्टल्स एट द मोमेंट यूज होंगे है, ये मैं नहीं कहूंगी प्रॉबली बिकॉज सी एज अ प्रोडक्ट और एज अ सर्विस दे हैवंट मैच्योर्ड येट, दे आर इन द ग्रोइंग स्टेज, वी कांट से दे आर इन इन्फेंसी स्टेज, हाउएवर दे आर ग्रोइंग। ठीक है, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि एकदम से कोई बूम आएगा एंड एवरीवन विल स्टार्ट यूजिंग इट। आई मीन इफ यू लुक 2 years बैक इट वॉजंट हाउ इट इज टुडे, and probably 2 years down the line there might be more end usage. And besides that, agar hum log Pakistan mein dekhe to internet usage is not that common, okay, not a lot of people use internet, and for web portals you've got to have an access to the internet. Duniya mein bhi agar aap dekhe to 3-4 se zyada kisi nahi hai, in fact agar aap internationally dekhe Google ke alawa koi search engine hai koi bhi, ye kuch isi tarah se hota hai website mein har jagah, 2-3-4 मैक्सिमम होती है जो बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। आप मोबाइल फोन कंपनी देखिए, गुड बिजनेस पर हाउ मेनी आर देयर, तो ये कुछ इस तरह का ट्रेंड है। क्योंकि एक तरह का एक तो इसमें ये होता है कि जो इफेक्टिव है लोग ज्यादातर उसी के आदत पड़ जाती है, क्योंकि हर वेबसाइट को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने, हर वेबसाइट थोड़ी सी मुश्किल है। तो जब हमने जो वॉकिंग मशीन बनाई है पाकिस्तान मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड मोस्ट यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, जैसे आप लॉन्च कर सेकंड पॉइंट वो जो यही पॉइंट हमने देखते हुए बनाया है, और यही वजह होगी कि आप थोड़ा यूज हो जाते हैं, आपका जो पर्पज सर्व कर रहा है वो आप यहाँ मिल जाते हैं जिन लोगों का ये। असल में इसकी मार्केटिंग हमने बिल्कुल नहीं की थी, मैं क्रेडिट दूंगा डिफरेंट ब्लॉगर्स के ऊपर जिन्होंने हमारे एक छोटे से आइडिया को काफी प्रमोट किया। और बेसिक चीज होती है कि अगर आपका आइडिया किसी राइट पर्सन के एंड पे पहुंच जाए कि यार ये बंदा ऐसा काम कर रहा है, तो हमें एक कंपनी ने फोकस किया, देखा कि वाकई जो हमारा वीडियो बेस्ड जॉब पोर्टल है प्लस इसके अदर फीचर्स, ये पाकिस्तान के अंदर एक मार्केट और एक कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री नहीं है, आईटी इंडस्ट्री नहीं है, इसके अलावा डिफरेंट जॉब सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम ले लें, कोई मजदूर तक के आप इंटरव्यू जगह देख लें, तो पोटेंशियल बहुत था मुलाजमत के अंदर कि यार ये पाकिस्तान में जॉब इंडस्ट्री चेंज कर सकती है। तो वो उन्होंने समझा, हमसे कांटेक्ट किया इनिशियली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो बिल्कुल अमेज हुआ जब मुझे फोन आया यार कि आप ये चीज खरीदना चाहते हैं, अगर इसमें ऐसा है क्या? बोला नहीं अली, तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर किस तरह की चीजें हो सकती है, ये तुम कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो। मगर जब मैंने उनको फीचर बनाना शुरू किया वो तो और ज्यादा इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने हमें एक इनिशियल पेशकश की, वो हमें काफी सोच समझ के बाद कि हमने सोचा कि इसको परचेज करना चाहिए, ऑफर टेक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो हमने अराउंड दिसंबर के अंदर इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो मोर देन अराउंड 2.5 million rupees हमें इस चीज़ के मिले हैं मुलाजमत के लिए, जो कि हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट थी। अब इसकी बेसिस के ऊपर
एक लार्जर टीम के साथ एक बार ऑफिस के साथ मुलाजमत को फुल फ्लैश लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। आई थिंक बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्किल्स दे आर लुकिंग फॉर इन द कैंडिडेट विद हेयर, आई मीन कीप गिविंग जेनेरिक जॉब डिस्क्रिप्शन और स्किल रिक्वायरमेंट, आई मीन वोंट हेल्प देम गेट द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। एक तो आप अगर प्रॉपरली स्किल्स डिफाइन कर दें, सेकेंडली द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस यू आर लुकिंग फॉर और द लेवल ऑफ एजुकेशन यू आर लुकिंग फॉर विल एक्चुअली हेल्प यू अवॉइड ऑल दोज अनवांटेड रिज्यूमेस कमिंग इन। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें काफी सारे लोगों के लिए कि एक सही बंदे को सही जगह पे हायर करा सकें, ये चीज चलेगी और ज्यादा चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंट पोर्टल्स और लॉन्च होंगे सिर्फ जॉब सेक्टर्स के लिए। क्योंकि हमारा आज का एपिसोड जॉब पोर्टल्स पर डेडिकेटेड था या रिवॉल्व करता है उसके इर्द गिर्द, तो हमने सोचा आपको वेबसाइट भी उनके बारे में ही बताएं। तो सम जॉब पोर्टल्स कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान सुनाओ। और बिट्स एंड बाइट्स की इस हफ्ते की फेवरेट वेबसाइट्स ये हैं। नंबर 3 पर है brightspire.com, जिसका नाम तो थोड़ा वेस्टर्न और दूसरों से हटकर है, लेकिन पाकिस्तानी जॉब साइट्स में इसने बड़ी तेजी से अपना नाम बनाया है। अगस्त 2002 में ये साइट लॉन्च हुई थी और आज इनके पास 2 लाख से ज्यादा रेज्यूमेस का कलेक्शन है। इनकी साइट को ज्वाइन करने के लिए आपको जरूरत है कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपके पास हो, क्योंकि वही आपका ब्राइटस्पायर अकाउंट आईडी बनेगा। उसके बाद अपना सीवी या रेज्यूमे अपलोड करें और इनकी साइट पे दिए गए रेज्यूमे कंट्रोल टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी किस्मत खोल दें। इस हफ्ते हमारी नंबर 2 पे रैंक की हुई साइट है naukrijunction.com। naukrijunction.com का दावा है कि किसी और जॉब पोर्टल के मुकाबले में इस वेबसाइट के जरिए आपको तकरीबन 5 गुना और फायदा होगा। कंपनीज और जॉब सीकर्स को आपस में कनेक्ट करना, चाहे काम की नौयत फुल टाइम, पार्ट टाइम, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग, टेम्पररी, कॉन्ट्रेक्चुअल या आउटसोर्सिंग क्यों ना हो, naukrijunction.com पेड सर्विसेज फराहम करता है, जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ये साइट इंटरनेट कनेक्शन के हर स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज है और बहुत आसानी से लोड हो जाती है। नेविगेशन उल्टे हाथ की तरफ है और ऊपर की जानिब है, और हर सेक्शन का नेविगेशन भी बहुत सेंसिबल है। अगर आप काम की तलाश में हैं या कोई जॉब पोस्ट करना चाहते हैं, तो naukrijunction.com उसका हल हो सकता है। और बिट्स एंड बाइट्स की लिस्ट पर इस हफ्ते की नंबर 1 वेबसाइट है rosy.pk। rosy.pk पाकिस्तान का नंबर 1 जॉब पोर्टल जाना जाता है। बेस्ट कंपनीज की सबसे हॉट जॉब्स फ्रंट पेज पर नुमाया किए जाते हैं, और आपको जिस शहर में जॉब्स की तलाश करनी है, आप सिटी वाइज जॉब सर्च भी कर सकते हैं। rosy.pk का दावा है कि इनके पास पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूजर डेटाबेस है, जिसके बिना पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिल ही जाएंगे। rosy.pk का दावा है कि इनके पास पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूजर डेटाबेस है, जिसके बिना पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिल ही जाएंगे। अगर आप अपना अकाउंट rosy पर खोलते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्लिक थ्रू ट्रेंड्स और जितने भी जॉब या रेज्यूमे सर्चेस किए हैं आपने, वो सारा कुछ सेव हो जाता है। RSS फीस का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको न्यू पोस्टिंग्स का पता लगाना है। नेविगेशन के लिहाज से rosy.pk बहुत अच्छी है, और इसकी ग्राफिक्स आपके कम रफ्तार इंटरनेट के लिए भी सही है। 8000 से ज्यादा कंपनीज rosy.pk का इस्तेमाल करती हैं। आप भी इस जॉब पोर्टल को इस्तेमाल करके जरूर अपना रिव्यू हमें भेजिएगा। और हमारी आज की जो फीचर्ड वेबसाइट है, उसका नाम है mulazmat.com। फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट अली रजा शेख की बनाई हुई ये वेबसाइट पाकिस्तान में सचमुच तहलका मचा दिया है। जबकि दूसरी वेबसाइट आपको टेक्स्ट बेस्ड जॉब सर्चेस बताएंगी, mulazmat.com की खास बात यह है कि वो वीडियो बेस्ड जॉब पोर्टल है। इस वीडियो कंपोनेंट के जरिए आप आसानी पता लगा सकते हैं कि जिस कंपनी में मुलाजमत के बारे में आप सोच रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है और लोग कैसे होंगे। जबकि mulazmat.com बड़ी जबरदस्त साइट तो है, इस पोर्टल का पूरा फायदा उठाने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हो। ये तो थी हमारी पसंदीदा वेबसाइट्स। आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट्स भी हमें जरूर लिख के भेजिएगा, या अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, अपने नाम, ईमेल एड्रेस और एक छोटे रिव्यू के साथ जरूर भेजिएगा। यू नेवर नो हु वी आर गोइंग टू फीचर इन वन ऑफ द फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। और हमारे इस हफ्ते का क्विज कंपटीशन का क्वेश्चन ये है, अगर एक वेबसाइट का एक्सटेंशन .pk नजर आए आपको, तो वो वेबसाइट कौन से मुल्क से ओरिजिनेट की जाती है? ए पाकिस्तान, बी पोलैंड और सी द फिलीपींस। हमें जरूर अपना फीडबैक लेके भेजिएगा एज टू व्हाट यू थॉट ऑफ दिस एपिसोड, और आगे के बिट्स एंड बाइट्स के एपिसोड में हम किन गैजेट्स, किन वेबसाइट्स और किन टॉपिक्स में बात करें।
अगर आपको कोई पता लगता है कि ब्रेकिंग न्यूज, टेलीकॉम या आईटी की इंडस्ट्री के बारे में, प्लीज डू गो अहेड एंड शेयर दैट विद अस। वी'd लव टू फीचर दोस। अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिएगा। बिस्मिल्लाह की पूरी टीम के साथ रबी गरीब साइनिंग ऑफ।